मंडलायुक्त अरविंद सिंह हयांकी ने जनपद नैनीताल के गांधी ग्राम ताकुला पहुंचकर गांधी आश्रम में चल रहे जीर्णोद्वार कार्यों का निरीक्षण किया। श्री हयांकी ने मंद गति से चल रहे जीर्णोद्वार कार्य पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कार्य को समयबद्धता से पूरा करने के लिए साइट डेवलपमेंट के कार्यों, बैरिकेडिंग, गजीबो, ओपन थिएटर, अप्रोच रोड आदि में अलग अलग 15 से 20 व्यक्तियों के समूह को लगाकर कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जीर्णोद्वार कार्य को सितंबर माह के अंत तक पूरा करने के भी निर्देश दिए। उन्हें निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने तथा जीर्णोद्वार कार्य को सुंदर व आकर्षक बनाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने संपर्क मार्ग निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों एवं बरसात के मौसम में संभावित फिसलन पर विशेष ध्यान देते हुए सड़क निर्माण करने के निर्देश दिए। उन्होंने गांधी आश्रम के मैदान में प्रस्तावित शौचालय को स्कूल के पास अन्य स्थान पर बनाने के भी निर्देश देते हुए कहा कि मैदान पार्क में केवल पेड़ एवं हरियाली दिखाई दे तथा आसपास का क्षेत्र भी आकर्षक रूप में विकसित किया जाए। सर, निरीक्षण किया गया है, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि काफ़ी अहमियत है ताकुला गांधी ग्राम की। हाँ, इसमें महात्मा गांधी जी की स्मृतियों को जिंदा रखने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ने लिया था। अभी एमडी साहब हम दोनों और पर्यटन से संबंधित अधिकारीगण यहाँ आए हुए हैं इसकी प्रोग्रेस व्यू करने के लिए। अभी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का काम आप देख रहे हैं, इसका रिनोवेशन का काम चल रहा है। साइट डेवलपमेंट के काम भी दीवार बंदी, बैरिकेडिंग, गजीबो, ओपन एम्पी थिएटर, अप्रोच रोड, ये सब बनने हैं। कॉन्ट्रैक्टर के लेबर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमने काम को थोड़ा आगे बढ़ाएं, क्योंकि सितंबर तक हमको ये सारे काम पूरे कर लेने हैं। सौंदर्यीकरण के काम वगैरह भी, कुछ टॉयलेट्स बनने हैं, उसका लोकेशन थोड़ा हमने चेंज करवाया अभी, और सितंबर तक उम्मीद है कुछ ये आदमी बढ़ाएंगे और सामग्री वगैरह, मटेरियल का सप्लाई वगैरह इंश्योर करेंगे, तो सितंबर तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। लेकिन इसके आगे जैसे आपने कहा, इसकी महत्ता और लोग इसमें आए, इसका महत्व के बारे में लोग समझें और उसको यहाँ आके फील भी करें, उसके लिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक प्लान डेवलप करेंगे कि इसमें बाकी और क्या गतिविधियाँ हो सकती हैं। मेन रोड से यहाँ तक लोगों को ईजीली एक्सेसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि वो सिंगल रोड है, काफ़ी उसके एलिवेशन ग्रेडियंट काफ़ी वो है, इतना आसान नहीं है गाड़ियों को चलने के लिए। तो दूसरे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, और यहाँ पे बच्चों के लिए अट्रैक्शन का और कुछ शोधार्थियों के लिए अट्रैक्शन का, टूरिस्ट के अट्रैक्शन का, कुछ और चीज़ें क्या डेवलप की जा सकती है, उसको हम लोग अगर बैठ करके डिस्कस करेंगे।